नमस्कार, द नगरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आदित्य आत्रे। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास जो शख्सियत है वो मौजूद है। मेरी इच्छा हुई इनको स्टूडियो बुलाऊं और इनसे बातचीत करूं, और क्या कुछ बातचीत होती है वो हमारे दर्शकों तक मैं पहुंचाऊं, ये मेरी काफी इच्छा थी। तो आज मैंने इनको बुलाया है, मैं इनका परिचय आपसे करवाना चाह रहा हूँ। पूर्व जो उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत जी, उनके भतीजे हैं, और जो कांग्रेस सरकार के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर है प्रताप सिंह खाचरियावास जी, उनके बड़े भाई करण सिंह जी आज हमारे साथ हैं। करण सिंह जी के आगे सरनेम इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि खुद को राष्ट्रवादी कहलाना ये पसंद करते हैं। करण राष्ट्रवादी, सर मेरा पहला सवाल यही है, आखिर क्या है इसके पीछे की कहानी? मैं जब से समझने लगा हूँ इन 20-30-40 सालों में, हर आदमी अपनी जाति को लेके काफी बात सोचता है। जाति जाति जातिवाद वाद्य, जहां वाद्य आता है वहां सब कुछ खत्म हो जाता है। वो गलत को भी सही मानते हैं और सही को गलत मान लेते हैं। वाद्य ऐसा होता है, आप समझ रहे होंगे शायद, सही को गलत मान लेते हैं, गलत को किस तरीके के वर्तमान में धारणा है लोगों की। हर आदमी अपनी जाति को सबसे उच्च मान रहा है, तो वाद्य बढ़ता जा रहा है। मैं जब भैरव सिंह शेखावत के यहां बैठा करता था, मेरे बड़े पिता के यहां, तो जातीय व्यवस्था को लेके कभी कभी डिस्कस हुआ करती थी। तो वहां एक बहुत बड़े ब्राह्मण देवता आया करते थे, वो जातिवाद को लेके बोलते थे। जातिवाद वे लोग करते हैं जो कमजोर होते हैं। तो उनकी बातें सुनने के बाद मुझे काफी अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण ठाकुर भाई, मैं ब्राह्मण हूं, आप ठाकुर हैं, हम ये लगाते हैं। मैंने उनसे कहा, सुनता रहा पहले तुम्हें, अब इस राष्ट्र में सभी जातियां सब धर्म रहते हैं, अभी वर्तमान में जो हालात हैं वो जातिवाद और सांप्रदायिकता से ओत प्रोत हैं। ज्यादातर हर आदमी अपनी जाति को गाड़ी के पीछे जाट ठाकुर राजपूत गुज्जर या जो भी किसी भी जाति सर्वश्रेष्ठ बताने की, सर्वश्रेष्ठ बताने। मैंने मेरे राष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ माना है धर्म से ऊपर उठकर। भाई मैंने राष्ट्रवादी करण सिंह शेखावत लगा था, मैंने मेरा नाम करण से भी पहले राष्ट्रवाद लगा लिया और करण लिख दिया छोटा। भाई करण तो छोटा है, राष्ट्र ही सब कुछ है। भाई अभी वर्तमान में राष्ट्रवाद खत्म होता नजर आ रहा है। राष्ट्रवाद खत्म इसलिए होता नजर आ रहा है सर, राष्ट्रवाद कहते इसे हैं जहां पे सब धर्म स्वतंत्र हो और सुरक्षित हो, जहां संस्कृति संस्कार सद्भावना जिंदा रहे, वहां कंट्री में राष्ट्रवाद जिंदा रहता है। जहां संस्कृति संस्कार सद्भावना जिंदी नहीं रहेगी तो कंट्री में राष्ट्रवाद कैसे जिंदा रहेगा? बिल्कुल। अभी जातिवाद वे लोग कर रहे हैं, जैसे हमारे ब्राह्मण देवता ने मेरे को, मेरे ब्राह्मण जिसे भगवान मानता हूं, उन्होंने कहा ब्राह्मण ब्रह्मा का मुख है, ब्राह्मण भगवान स्वरूप है, इसको शुभ अशुभ कार्य में भगवान समझ के बुलाया जाता है, इसमें वाद्य आता तो ब्रह्म तत्व खत्म हो जाता है। उन्होंने यही कहा भैरव सिंह जी के सामने कि राजपूत में विश्वास खत्म होता, अविश्वास बढ़ता जा रहा है, विश्वास खत्म होता जा रहा है, अन्याय बढ़ता जा रहा है, न्याय के विरुद्ध राजपूत लड़ नहीं पा रहा है, हारे हुए का निर्माण नहीं कर पा रहा है, तो राष्ट्र में बलिदान कैसे दे पाएगा? अब राष्ट्रवाद कहां किस तरीके से उन लोगों ने मुझे एक्सप्लेन किया, तो मैंने फिर राष्ट्रवाद तो इसलिए अपनाया जातिवाद से ऊपर उठा। भाई जातिवाद कौन लोग करते हैं? जिस जाति में, उन्होंने कहा कि जिस जाति में जिसका जन्म उस पर गर्व करना चाहिए। जब जब कोई व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है वो जातिवाद की ओर अग्रसर होता है, और जब जब कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को असुरक्षित महसूस करती है वो धार्मिक उन्माद चलाती है। तो ये तो एक पिछले कुछ सालों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए तो एक वोट बैंक बनता जा रहा है, जाति या धर्म की बात की है। हमने इस राष्ट्र को, आज इस देश में कितने लोगों ने अपने बलिदान से इस राष्ट्र को आजाद कराया, स्वाधीनता के आंदोलन। बिल्कुल। अगर हम अतीत में जाते हैं तो गांधी ने क्या दिया? एक अहिंसात्मक आंदोलन था, भगत सिंह हिंसात्मक आंदोलन, चंद्रशेखर क्या थे, लाला लाजपत राय क्या थे, अलग अलग तरीके से आंदोलन हुए, जब जाके हम आज स्वतंत्र होके बैठे हैं। अब जो वर्तमान का जो राजनीतिक परिदृश्य है उस राजनीतिक परिदृश्य ने कहां ले जाके खड़ा कर दिया, तो मैंने जाति और सबसे ऊपर राष्ट्रवाद करना है। और पब्लिक में भी यही कहता हूं, नेशन इज फर्स्ट, धर्म बाद में आते हैं। बिल्कुल, धर्म निरपेक्षता की भी बात आपने बीच में इसमें की है। भारत जो हमारा देश है धर्मनिरपेक्ष माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों से धर्मनिरपेक्षता को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। 80s में इंदिरा गांधी जब सेकंड टाइम वापस सत्ता में आई, इंदिरा जी जब सत्ता में आए तो इन्होंने
कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इंडिया सेक्युलर कंट्री। सेक्युलरिज्म के नाम पे आज इतना ज्यादा भोंडा प्रदर्शन किया जा रहा है, इसका मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। सर्वधर्म सद्भाव, सर्वधर्म सद्भाव की तो धर्मनिरपेक्षता कहीं, बिल्कुल, जहां सब अनेकता में एकता वाला देश है, जहां सब धर्म स्वतंत्र हैं, कोई किसी धर्म की ओर कभी भी कोई धर्म अपराध की ओर प्रवृत्ति नहीं पैदा करता है। आज पहली बार अपराध की ओर धर्म जा रहे हैं, तो कंट्री में राष्ट्रवाद का हालात है। किसे जिम्मेदार मानते हैं? पॉलिटिक्स को, जो स्वयं को बनाने आए हैं, जो राष्ट्र को कुछ नहीं देना चाहते हैं, पब्लिक भोली भाली पब्लिक के वोट का मजा लेना चाह रहे हैं, वो अपने आप ठाट करते हैं, लोग पब्लिक में मारे जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करवाना, भूखे मरना, डिमोनिटाइजेशन के पीछे का मतलब पब्लिक आज तक समझ नहीं पाई है। युवा कहां खड़ा है, जो हमारा फ्यूचर है, युवा को पहले ये सोचना चाहिए कि हमें कभी किसी राजनीतिक दल का न होके व्यक्ति का होना चाहिए जो इस कंट्री को क्या देगा। देखिए, आपने धर्मनिरपेक्षता की भी बात की, आपने राष्ट्रवादिता की भी बात की। एजुकेशन एक बहुत बड़ा सिस्टम इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप एजुकेट होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, तो आप हो सकता है कि इस तरह के जो बयानबाजियां हैं, चाहे धर्मनिरपेक्षता को लेकर जो बयानबाजियां होती है, चाहे राष्ट्रवाद को लेकर जो बयानबाजी होती है, अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़ा सुधारा जाए तो क्या लगता है कि आप जो धार्मिक उन्माद फैलते हैं देश के अंदर, जो बयानबाजियां होती हैं, तो इससे क्या छुटकारा पाया जा सकता है? मैं किसी एक राजनीतिक दल पे आरोप न लगा के सभी राजनीतिक दलों ने ऐसा किया है। आपका जो ये क्वेश्चन था अभी इस विषय में, क्या फरमा रहे थे? धर्मनिरपेक्षता नहीं, एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षक के पास शिक्षित होने शिष्य जाता है। बिल्कुल, शिष्य को शिक्षक शिक्षा में क्या दे देता है? मैं शिक्षक हूं, वर्तमान की धारणा क्या पता, पास्ट कैसा था, बीत गया, आज कैसा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के साथ क्या क्या हुआ था, मैं याद नहीं करना चाहता। आज भी हमारे यहाँ वही धारणा है, हमारे यहाँ आज भी आडंबर बहुत ज्यादा है। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो देश का युवा बचा सकता है, जो राजनीतिक दलों से, राजनीतिक सोच से ऊपर उठकर सोच सकता है। अच्छा, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो पुराने जख्म हैं उनको कुरेद दिया जाता है कई बार। पास्ट में तो वर्तमान की राजनीति को जाना ही नहीं चाहिए। क्या 16वां प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री को गाली देना, महात्मा गांधी को गए 100 साल हो गए, वो जब महात्मा गांधी की बात बुरी बुरी करते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों के साथ मैं बैठता हूँ, वहां कुछ बहुत बड़े बड़े फौजी ब्यूरोक्रेट्स पुलिस ऑफिसर, तो वो महात्मा गांधी को गाली देते हैं, तो मैं उनसे कहता हूँ आप महात्मा गांधी को गाली दे रहे हैं, गॉडसे को लाइक कर रहे हैं, तो इस गांधी को जेब से निकाल। वो गांधी को जेब से नहीं निकालना चाहते हैं, गॉडसे को गाली देना चाहते हैं, वहां आके उनका मुंह उतर जाता है। मैंने इलिटरेट आदमी तो इलिटरेट नजर आ रहा है, लिटरेट इलिटरेट जो पढ़ा लिखा है वो अनपढ़ नजर आ रहा है, अनपढ़ पढ़ा लिखा नजर आ रहा है, बिल्कुल उल्टा होता नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है भगवान पृथ्वी पे उतरने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान पृथ्वी पे उतर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन जो आज का सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम जो देखा जा रहा है वो माफियागिरी में भी बदल रहा है। देखिए, आज की डेट में हर चीज मनी ओरिएंटेड हो गई है। आज जब मैं ये सोचूंगा, मैं मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, सिर्फ मेरा मेरा सोचूंगा, जहां पे तेरा मेरा अपना पराया राग और द्वेष होता है, उसके इंसान के मन में ईश्वर नहीं बैठता है। आज जो जितने ज्यादा मंदिरों में जा रहे हैं ना, जो जाके रोते हैं, आंसू बढ़ाते हैं मंदिरों में, भगवान के मंदिर में ईश्वर नहीं बैठे हैं, मन के मंदिर में ईश्वर बैठा है। भीड़ तो बहुत बढ़ रही है, भीड़ बढ़ इसलिए रही है कि आदमी अभी वर्तमान में बिल्कुल डरा, उसकी कोई सुनने वाला ही नहीं है, उसकी जो कान नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, कुछ सुन नहीं रहा, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है वो, क्यों इंसान सुन नहीं रहा है। लीडर भाई, प्रजातंत्र में प्रजा के द्वारा नेता का निर्माण होता है। नैया नेता को नेता क्यों कहा गया? नैया के तारण करने वाले को नेता कहा गया। अब वर्तमान में कलयुग है, जिसे लोग कलयुग, भाई मैंने सत्युग देखा नहीं, त्रेता देखा नहीं, द्वापर देखा नहीं, तो कलयुग की बात क्यों करूं? मैं तो कलायुग मानता हूं इसको, जो इसमें कला होगी वो सरवाइव कर पाएगा। बिल्कुल डिफरेंट जमाना आ रहा है। एजुकेशन में नो डाउट माफिया, इस पे सरकार को अंकुश लगाने पड़ेंगे। हालात पिछले कई दिनों से कोटा में भी जिस तरह से देखिए, अभी वर्तमान में एजुकेशन के मायने बदलते जा रहे हैं, और जहां राजनीति ने शिक्षा क्षेत्र में भी बहुत ज्यादा अपवाद पैदा कर दिया है। युवाओं को देश में बागडोर संभालनी पड़ेगी। भाजपा, कांग्रेस, बसपा, राजपा, सब राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर सोचना होगा कि ये राजनीतिक नेता इस राजनीतिक दल में है, हम इसको जिताएंगे। अगर वो आज ये कहते हैं कि नहीं, राम, हिंदू, मुस्लिम, भगवान मन के मंदिर में बैठा है,
भगवान या अल्लाह जीसस गुरु ग्रंथ साहब के नाम पे कहीं किसी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, वर्तमान ये कहता है। बिल्कुल, युवाओं की भी आपने बात की है, पॉलिटिक्स पे युवाओं को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी राजनीति में आना चाहिए, और बेशक देश की रीढ़ की हड्डी भी युवा मानी जाती है, लेकिन आजकल का जो युवा है वो शायद राजनीति की तरफ जाना नहीं चाहता, उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि उसको करना क्या है। ये कई तरह के सवाल हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? इसको मैं बता देता हूँ, वर्तमान में प्रजातंत्र नष्ट हो रहा है। क्या कहा हमने? वर्तमान में पॉलिटिक्स का, राजनीति का, पुलिस का, समाचार दर्पण का, जो संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, साधु संतों का राजनीति पब्लिक के द्वारा औद्योगीकरण हो गया। राजनेता को खामोखा में चोर, पहले बात तो राजनीतिक बात जो राजनीति में है ही नहीं, मूर्ख राजनीति की बात किया जाता है। पहली चीज पॉलिटिक्स। अब पुलिस, पुलिस का क्या काम है? वो एक चिकित्सा शिक्षा सुरक्षा, पुलिस का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनमें ईगो नहीं होना चाहिए। वो आजकल रिजर्व पता नहीं ऐसे बन के आते हैं, वो सोचते हैं आप आई कनेक्ट करके ऐसे बात कर रहे हैं, भाई आई सत्य है, आई ईगो बहुत है। अभी आने वाले कल में प्रशासन पॉलिटिक्स को भी सुधार दिया जाएगा, पुलिस को भी सुधार, जनता सुधारने की ताकत रखती है, गलत फहमी में इनको रहना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अभी जो वर्तमान के हालात है वो गंदे जिन्होंने किए हैं, तो अच्छा करना हम जैसे लोग आ गए। मैंने 60 साल की उम्र में कभी इससे पहले राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं नहीं थी, अभी मैंने अपने आप को स्वयं को बनाने नहीं आया हूं, जनता में जनजागृति अभियान के तहत राष्ट्र निर्माण की चेष्टा मेरे मरने से पहले कितने लोगों तक पहुंच सकता हूं, इसलिए मैंने मेरी आवाज से रीजन होता है तो वॉइस क्रिएट होती है, वॉइस क्रिएट होती है तो विजन क्रिएट होता है, विजन होता है तो विक्ट्री होती है। मैं कोई एमएलए एमपी चुनाव लड़ने नहीं आया हूं, मैं लोगों को बनाने आया हूं कि वर्तमान में राजनीति को आप लोगों ने कहां खड़ा किया है, कैसे व्यक्ति राजनीति में आने चाहिए, इसको लेके एक आंदोलन खड़ा करना है। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल ही पूछना चाहूंगा, आपके छोटे भाई हैं प्रताप सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं कांग्रेस में, तो राजनीति को लेकर कई बार उनसे बातचीत होती होगी, किस तरह के अमूमन चर्चाएं होती रहती है? देखिए, खचरे आवास अपने आप में एक लीडर है, खचरे आवास कांग्रेस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में है, खचरे आवास मेरे छोटे भाई हैं, छोटे भाई बेटे की जैसे होते हैं, चाहे मैं कहीं कुछ भी करूंगा कुछ भी, यानी उसके लिए भी 100 खून माफ है, ये समझ लो। वैसे मेरा भाई, तेरा मेरा अपना पराया राग द्वेष नहीं करता, मेरा भाई स्वयं के लिए नहीं जीता, मेरा भाई चिंतित राष्ट्र, पब्लिक, गरीब, दलित, युवा, महिला, पीड़ित सबके लिए रहता है। मेरे भाई को वर्तमान में रहना बहुत अच्छा लगता है, मेरे भाई मेरे माता पिता की बहुत सेवा करता है, हम भाइयों को मेरे को मानता है, मेरी बहन को मानता है। हाँ, मैं थोड़ा गुस्सेल आदमी हूँ, मैं सत्य के साथ रहता हूँ, इसलिए मेरी कभी कभी बन नहीं पाती। मैं कांग्रेस बीजेपी बसपा राजपा का पार्टी का आदमी नहीं हूँ, मैं खचरे आवास के बड़े भाई के नाते खचरे आवास का हमेशा साथ देता रहा। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ करण सिंह जी, जो राष्ट्रवादी कहलाना खुद को पहले पसंद करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर राष्ट्रवाद है तो ये देश रहेगा। काफी चर्चाएं आज हमने इनके साथ की, और कभी टाइम मिलेगा तो बिल्कुल अन्य मुद्दों पर भी इनके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।